नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने यूपीएससी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑपरेटर सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंतेवासी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अनामिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा पदच्युत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दामोदर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा निस्पृह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मर्माहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मिताहारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उपयुक्त हो जाएगा निर्मम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अंत्यज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अजय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा बाचाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबको जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा सदवा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा असाध्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो क्या दी जाती है, तो यह दी जाती है पाथे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं निश्चित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेस्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोच की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका हो जाएगा मुमुच्छू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता, तो उसे कहा जाता नेपथ्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो इसके लिए शुद्ध शब्द होगा समीदा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिशा ही जिनका वस्त्र है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दिगंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कानीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसके लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा जठराग्नि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कर्णफाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाचाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपे, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट किया जा सके के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको गलत विकल्प बताना है। जंगल क्या को कहते हैं दावनल, ये राइट हो जाए। समुद्र क्या को कहते हैं बड़वानल, ये भी सही है। पेट क्या को कहते हैं जठनाल, ये भी सही है। आगे की सोचने वाले को कहते हैं अग्रगामी, तो ये भी आपका राइट आंसर, अग्रगामी नहीं कहते हैं, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह वाक्य गलत है। नेक्स्ट है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।